ये मकई का चारा जो है ये हिरन खा रहे हैं, बड़ा शौक से खाते हैं ये वाला चारा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इमरान नवीद और आज मैं हूँ एक फार्म हाउस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरन है। ये पीछे आप मेरे देख भी रहे हैं और आज का मेरा व्लॉग भी इनके ऊपर है। ये क्या चीज़ खाते हैं, कौन कौन सा चारा खाते हैं, क्या क्या चीज़ इनको खिलाते हैं, जो यहाँ पे जो केयर टेकर हैं उनसे हम सारी इंफॉर्मेशन लेंगे और मैं भी आपको काम करता यहाँ पे नज़र आऊँगा। तो आए मेरे साथ रहें। वजनी चारा है, उठा के ये देखो शेर बनता है। आज इमरान भाई ने नदीम भाई का सारा काम किया है। हमने चारा डाल दिया इधर भी, इधर भी, इधर भी, बाकी हम डालेंगे दूसरी साइड पे। इधर चले जाओ साइड पे। उधर धूप है इसलिए हम छांव पे चारा डालते हैं ताकि हिरन जो है वो सुकून से खाएं। ये जो चारा इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे इसको मकई कहते हैं। ये जो चारा है ये बहुत शौक से जो ये वाला सिंधी पाड़ा हिरन है ये खाता है और ज़्यादा लोग जब यहाँ पे आते हैं तो इसको बारह सिंगा समझ लेते हैं, लेकिन ये बारह सिंगा नहीं है, ये पाड़ा हिरन है, सिंधी हिरन इसको कहते हैं, सिंधी पाड़ा हिरन है। इसके सींग ज़्यादा जो है ना उसके बारह होते हैं, तो इसके ये आप देख सकते हैं, कैमरा मैन थोड़ा नज़दीक दिखाइएगा, तो ये देख सकते हैं आपके ये दो यहाँ निकले हैं, दो ये और ये दो, ये बारह के बजाय ये छः या सात इसके होते हैं। ये अभी बहुत कच्चे सींग हैं, ये खुद ब खुद ही जो है ना वो गिर जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पे हिरनों के केयर टेकर खान साहब हैं, नदीम खान साहब इनका नाम है, और इनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कौन कौन सा चारा यहाँ पे ये खिलाते हैं। तो आए इनसे डिटेल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई आप ये केयर टेकर का काम हिरनों का कब से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं यहीं पर और मैं 8 साल से यहीं पर रिहाइश पजीर हूँ और इनकी केयर टेकिंग वगैरह सारा कुछ, ब्लीडिंग मेडिकेशन वगैरह सब कुछ करता है। नदीम भाई ये बताइएगा कि आप ये इन हिरनों को क्या क्या खिलाते हैं और सर्दी के अंदर अलग होता है तो क्या डिटेल होती है इनकी? सर वैसे तो गर्मी सर्दी इक्वल होता है, लेकिन हम इन्हें सुबह आते साथ ही नेशनल बंडा जो इनका 26 नंबर फीड है वो डालते हैं ताकि इनकी जो सी अर्निंग है वो महफूज रहे, जो इन्हें गर्मी सर्दी महफूज रखता है, ना इन्हें गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। उसके बाद अगर आप चारे की बात करें तो हम मकई सबसे ज़्यादा इन्हें खिलाते हैं, उसके बाद शटाला होता है, इसके अलावा जवी वगैरह खिलाते हैं और मकई वगैरह सबसे ज़्यादा हम इन्हें खिलाते हैं। इन्हें गर्मी सर्दी वगैरह सब कुछ मुफीद रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नस्ल दर बदर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अल्लाह पाक की करम नवाजी। ये बताइएगा नदीम भाई कि ये हिरनों की कौन सी किस्म है ये आप मुझे बता दीजिएगा? ये हिरनों की नस्ल है सिंधी पारा। सिंधी पारा। अच्छा नदीम भाई आपने यहाँ पे जो ये हिरन रखे हुए हैं तो क्या ये कोई दूसरे लोग अपने फार्म हाउस में वगैरह में रखने का शौक़ अगर रखते हैं तो वो क्या करेंगे, इनके लिए कोई लाइसेंस भी होता है? हाँ जी, इसके लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस बनाना पड़ना है कचहरी से, उसके बाद आपको ऐसा सेटअप वगैरह बनाना पड़ना है, सेटअप वगैरह बना बनू के फिर आपको ये परचेज़ करने पड़ने हैं, परचेज़ करके फिर ये आप रखेंगे। माशाल्लाह इसकी अर्निंग ऐसे बहुत ज़्यादा है और इनकी नस्ल साल में 3 से 4 दफ़ा ये ब्लीड कर जाती है। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।